First, we have to understand what is data. So if I'm talking about what is data, to data, it can be facts related to any object. Suppose your name, your age, your height, your weight, etc. These are the data. Then what is database management system? At first, you have understood what is data. मतलब आपसे related जो भी चीज होता है ना, जैसे कि आपका नाम, आपका एज, आपका हाइट, योर वेट, ऑल दिस आर डेटा. एंड देन वॉट इज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जब आप डेटा को आप को कहीं तो स्टोर करना होता है ना, सपोज योर नेम, योर हाइट, योर वेट, तो कहीं तो कुछ तो स्टोर करोगे ना. तो डीबीएमएस क्या होता है ना, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो विच इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस डेटा बेस, मैन्यूपुलेट डेटा, हेल्प इन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑल दिस थिंग्स. तो जो भी डेटा के साथ आप यू आर डूइंग समथिंग विद द डेटा ना, तो डीबीएमएस विल हेल्प यू आउट विथ ऑल दीज थिंग्स. तो डेटा के, डेटा से रिलेटेड कुछ भी आप छेड़खानी करते हो ना, कुछ ऐड करते हो, कुछ इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग, इफ यू वांट टू अपडेट समथिंग, तो सब कुछ किसके थ्रू होता है? डीबीएमएस के थ्रू. तो डीबीएमएस, व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस एक प्रोग्राम होता है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है. यू कैन से इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच इनेबल्स यू टू एक्सेस योर डेटा, टू मैन्युपुलेट योर डेटा, टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स, टू अपडेट रिकॉर्ड्स, टू डिलीट रिकॉर्ड्स, ऑल दीज थिंग्स ना कम्स अंडर डीबीएमएस. तो अब देखो, डेटा मैंने समझा दिया. डेटा क्या होता है? वो फैक्ट होता है. मतलब फैक्ट मतलब क्या? अब मैं बोलूं कि मेरे लाइफ का ये फैक्ट है, तो फैक्ट मतलब क्या? कुछ तो मैं बोलूंगी ना, तो कुछ इनपुट तो दूंगी ना. तो इनपुट क्या हुआ? वो आपका डेटा हुआ. अगर मैं बोलूँ कि मेरे लाइफ का ये फैक्ट है कि मुझे 15 साल इस कंपनी में रहना है, तो मैंने कुछ तो इनपुट दिया ना, कि 15 ईयर्स दिया, इस कंपनी को इनपुट दिया, तो कुछ कुछ तो बोला ना. तो वो सब कुछ क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, रिलेटेड टू डेटा ना. तो वो हो गया डेटा आपका. फिर आप डेटा, इतना कुछ जो मैं बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं तो वो कुछ एक स्टोरेज होगा ना. अगर मैं ऐसे हवा में बोल दूँ, तो कहीं, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे, मेरा एक्सपीरियंस 3 ईयर्स है, तो मैं बोल रही हूँ 3 ईयर्स है, बट मैंने तो कहीं ना कहीं तो काम वाम किया होगा ना. 3 साल अगर आके मैं बोल रही हूँ, तो किसी कंपनी में 1 साल रुकी, किसी कंपनी में 2 साल. तो ऐसे क्या होता है ना, ऑल दीज थिंग्स आर स्टोर समवेयर ना. सो दैट इज स्टोर इन अ डीबीएमएस. तो डीबीएमएस क्या करता है? इट्स अ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यू कैन से, दैट हेल्प्स यू टू एक्सेस योर डेटा, इंसर्ट रिकॉर्ड्स, डिलीट रिकॉर्ड्स, मैन्युपुलेट रिकॉर्ड्स, ऑल दीज थिंग्स. अब क्या होता है ना, देखो, डीबी डेटा मैंने बता दिया, डीबीएमएस मैंने बता दिया, उसके बीच में एक डेटा बेस आता है. डेटा तो चलो ठीक है, डीबीएमएस भी मैंने बता दिया कलेक्शन और प्रोग्राम होता है. तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस फिर क्या होता है? तो सबसे अगर आप हायरार्की वाइज जाओगे ना, देन इन द लोअर हायरार्की इट्स डेटा, देन आफ्टर दैट इट्स डेटाबेस, एंड देन इट कम्स टू डीबीएमएस. तो डीबी डेटाबेस क्या होता है ना, कि आप जहां डेटा को स्टोर करते हो, दैट इज डेटाबेस. एंड डीबीएमएस फिर क्या हुआ? डीबीएमएस मतलब कि आपका स्टोरेज के साथ जो जो आप चीजें परफॉर्म करते हो डेटा के साथ, इंसर्ट, अपडेट, बस अगर आप स्टोरेज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग ना, देन इट्स अ डीबी डेटाबेस. एंड इफ इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग विथ योर डेटा, देन डीबीएमएस अलाउज यू टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो आप इन तीनों का डिफरेंस समझ गए होंगे, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, एंड व्हाट इज डीबीएमएस. देन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ डीबीएमएस. तो डीबीएमएस का क्या होता है, डिफरेंट, 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द हायरार्किकल डीबीएमएस, सेकंड वन इज द नेटवर्क डीबीएमएस, थर्ड वन जो कि अभी MySQL है, रिलेशनल डीबीएमएस, एंड फोर्थ वन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस. तो व्हाट इज हायरार्किकल डीबीएमएस? अब आप अगर नाम ही देखो तो समझ जाओगे. हायरार्किकल मतलब क्या होता है? जैसे ही बोलो हायरार्की में है, तो अभी क्या है कि आप सोचोगे, अच्छा, कोई टॉप मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, जैसे कंपनीज में भी होता है. तो वो क्या, एक ट्री, इट विल फॉर्म अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. तो हायरार्किकल की जैसे ही बात होती है, मतलब कि ये कुछ तो ट्री रिलेटेड कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो हायरार्की का बात कर रहा है, तो देन इट्स अ हायरार्किकल डीबीएमएस. इफ एनी रिलेशनशिप इज फॉर्मिंग अ ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर, देन इट कम्स अंडर हायरार्किकल डीबीएमएस. तो हायरार्किकल डीबीएमएस में क्या होता है ना, जो आपके नोट्स, अब ट्री का तो ब्रांचेज होता है ना, तो जो जो भी ट्री के नोट्स होते हैं ना, मेन मेन, तो उसमें क्या होता है, वो आपका एक एक टेबल्स की तरह होता है. एंड देन जो भी पत्ते लगे होते हैं ना, पत्ते, फूल वूल, ये सब आप डेटा की तरह समझ सकते हो. तो हायरार्किकल डेटाबेस, इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर वेयर जो क्या होता है, नोड्स जो होता है वो आपका, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका नोड्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कितने सारे टेबल्स वेबल्स हैं. एंड देन द लीव्स एंड द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स विल रिप्रेजेंट योर डेटा. तो ये हो गया आपका नेटवर्क. अगर हायरार्किकल का भी आपको याद रखना, तो बस आप ट्री को याद रख के एक्सप्लेन कर देना. नेटवर्क मतलब क्या होता है ना, नेटवर्क डीबीएमएस, इट्स अ
इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप. तो अब रिलेशनशिप बोलेंगे तो क्या, तो नेटवर्क डीबीएमएस कम्स विद मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है. तो अगर मैं बोलूँ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या, अगर आप सपोज करो मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं अगर सपोज कोई, चलो एक फ्रीलांसर है, चलो मैं, हम लोग तो एक कंपनी के लिए काम, कोई एक फ्रीलांसर है ठीक है, वो फ्रीलांसर मल्टीपल कंपनीज के लिए काम कर रहा है, चलो 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे, तो वो क्या हुआ. तो अभी वो अगर मैं बोलूँ तो वो इट्स अ वन टू मेनी रिलेशनशिप, एक ही फ्रीलांसर है, चलो नेहा इज अ वन फ्रीलांसर एंड सी वर्क फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. तो क्या हुआ, वन टू मेनी, क्यों मेनी हुआ, क्योंकि आई एम वर्किंग विथ एक्स वाई जेड कंपनी ठीक है. तो ये वन टू मेनी हुआ, बट मेनी टू मेनी क्या हुआ, मेनी टू मेनी हुआ कि जब अगर नेहा वन है और नेहा टू है, और नेहा वन एक्स वाई जेड कंपनी के साथ काम कर रही है, नेहा टू एबीसी कंपनी के साथ काम कर रही है, मतलब क्या हुआ, इधर से इधर का मतलब फर्स्ट का मोर देन वन रिकॉर्ड्स एंड द सेकेंड टेबल का मोर देन वन रिकॉर्ड्स अगर कनेक्टेड होता है ना, तो वो मेनी टू, मतलब कि अब मैं एक जन की बात नहीं कर रही, इधर से नेहा वन या चलो नेहा वर्षा ले लो, और उधर का मैंने क्या बोला एक्स वाई जेड एबीसी. तो नेटवर्क डीबीएमएस क्या होता है ना, इट्स बेस्ड अपॉन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है. तो अगर वैसा कुछ सिचुएशन आता है ना, देन नेटवर्क डीबीएमएस, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आरडीएम सर्वर जो होता है ना, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डीबीएमएस होता है. देन कम्स टू रिलेशनल डीबीएमएस, तो रिलेशनल डीबीएमएस जो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो माई सिक्वल इज वन ऑफ द रिलेशनल डीबीएमएस. तो रिलेशनल डीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल मैंने पोस्टग्रेस में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, बट अभी मैं फिर से हल्के से बता देती हूँ. रिलेशनल डीबीएमएस क्या होता है कि जैसे ही आप रिलेशनल डीबीएमएस वर्ड देखते हो, तो रिलेशन वर्ड है ना रिलेशन, तो रिलेशनल डीबीएमएस इज बेस्ड अपॉन टेबल्स होता है, जिसमें आप डेटा, यू वी आर स्टोरिंग डेटा इन द टैबलो फॉर्मेट इन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, एंड देन आफ्टर स्टोरिंग डेटा इन मल्टीपल टेबल्स, वी आर लिंकिंग ऑल दोस टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की. अब देखो रिलेशनल डेटाबेस का आप एग्जांपल ले लो, सपोज आप एक दुकान पे जाते हो, आप कुछ वी आर गोइंग टू सम शॉप एंड वी आर ऑर्डरिंग समथिंग ओके. तो वो जो दुकान वाले हैं ना, वो कैसे हमारे डेटा को स्टोर करेंगे, वो एक ही जगह अगर कर दे, कस्टमर आ रहा है, ये ऑर्डर प्लेस किया, लेके चला गया, तो ये तो सही चीज नहीं है ना. तो वो क्या करते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बना लेंगे. अच्छा चलो एक ऑर्डर टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, तो उनको पता चलेगा कि अच्छा नेहा आई थी, उसने मिल्क का पैकेट लेके गई ठीक है, फिर कल दूसरे के दिन वर्षा आई और वो चलो कर्ड का पैकेट लेके गई. तो एक ही जगह अगर स्टोर कर देगा, तो उसको कितना एक्सेसिंग में कितना डिफिकल्ट होगा अगर एक ही जगह डंप करके डेटा को रखेगा. तो रिलेशनल डीबीएमएस, व्हाट रिलेशनल डीबीएमएस सेज ना, कि यू कैन स्टोर डेटा, यू कैन स्टोर इवन रेलिवेंट डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मल्टीपल टेबल्स, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन लिंक दोज टेबल्स. तो क्या हुआ, इससे आपका डेटा कंसिस्टेंसी रह गया. अब उसको बस ऑर्डर का डेटा देखना है, उसको नहीं देखना है कि कौन कस्टमर क्या लिया. सपोज शॉपकीपर वॉन्ट्स टू वाली लुक इन टू दोज रिकॉर्ड्स ना, कि कितना उसका ऑर्डर, मिल्क कितना पैकेट बिका, उसको नहीं चाहिए कि नेहाली वर्षाली एक्स वाई जेड कौन क्या लिया, उसको बस चाहिए कितना, चलो मैं देखूंगा मंथ के एंड में 50 पैकेट मैंने बेचा, आप हमको 70, मतलब कि बढ़ रहा है दूध का खपत, तो मैं 70 पैकेट मुझे और चाहिए. तो वैसे तब क्या करेगा, वो ऑर्डर टेबल में जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है कस्टमर टेबल से. सपोज करो अगर रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता, तो वो क्या करता है, एक ही टेबल में डंप किए था डेटा को, देन कितना डिफिकल्ट होता उसके लिए एक्सेसिंग. तो इसलिए क्या होता है, रिलेशनल, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, इफ यू आर स्टोरिंग डेटा इन मल्टीपल टेबल्स एंड आफ्टर दैट वी आर लिंकिंग दोस टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, देन रिलेशनल डेटाबेस कम्स इनटू द पिक्चर. एंड देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और ये चौथा होता है ऑब्जेक्ट. तो रिलेशनल डेटाबेस का बहुत सारे एग्जांपल है, माई सिक्वल है, सिक्वल सर्वर है आपका, ये सारे एग्जांपल रिलेशनल डीबीएमएस का. देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटल रिलेटेड रिलेशनल डेटाबेस, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ना, जो मैंने इससे पहले सेशन दिया था मैंने पोस्टग्रेस का ना, तो पोस्टग्रेस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, चलो वो तो मैंने एग्जाम्पल बताया, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट जब आप, इफ यू आर स्टोरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ना, देन इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस. अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या तुम बोल रही हो, क्या कैसे हम लोग डेटा को ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो देखो उप्स का तो कॉन्सेप्ट होता है ना, जब हम लोग बोलते हैं सी प्लस प्लस, तो क्या होता है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो क्या होता है, हम लोग डेटा को, वी आर कीपिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. तो क्या होता है ना, जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं टेबल में, वो क्या होता है आपका, वो एक एक ऑब्जेक्ट होता है, और
और उसका उसका जो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आप जो रोज इंसर्ट करते हो, एंड देन हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ तो एट्रीब्यूट होता होगा ना। अब मैं अगर नेहा हूं तो मेरा तो कुछ तो कैरेक्टर है ना, कि मेरा जेंडर फीमेल है, मेरा कुछ एज है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं किस, तो मेरा ये सब क्या एट्रीब्यूट है। तो मैं तो एक रिकॉर्ड हूँ एक कंपनी के लिए, चलो मैं टीम कंप्यूटर्स के लिए एक रिकॉर्ड हुई कि हाँ चलो मैं एक एम्प्लॉय हूँ उसकी, बट मेरा कुछ तो अपना कैरेक्टर होगा ना। अब मैं फीमेल से मेल तो नहीं बन सकती हूँ। तो वही ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट मतलब आपका पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है, एंड देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एट हर एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एट्रीब्यूट्स तो क्या होता है ना, जो रियल लाइफ में आप देखो तो कैरेक्टर किसी के आदमी का, तो उसी तरह ऑब्जेक्ट का कुछ तो रिकॉर्ड एंटर करोगे, तो मतलब क्या आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो, तो अगर आप ऑर्डर का ही रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो तो उसका कुछ तो होगा ना, ऑर्डर आईडी होगा, ऑर्डर डेट होगा, तो वो सब एट्रीब्यूट होता है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल ऑरियंटेड रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जिसमें आप डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एंटर करते हो, एंड देन एवरी ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ सर्टेन एट्रीब्यूट्स, और क्या होता है ना उसको एक्सेसिंग हम लोग बोलते हैं ना, कि फिर हम लोग एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं उसे एक्सेस करने के लिए। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि एक क्लास होता है उसके, अच्छा चलो एक क्लास होता है बोलते हैं, तो चलो एनिमल एक क्लास हुआ, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल हो सकते हैं ना, काउ हो सकता है, डॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या वो एक एक ऑब्जेक्ट हुआ एनिमल क्लास का, एंड देन समथिंग इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट डॉग, तो कैसे आप एक्सेस करो, कैसे उसे कॉल करोगे। अब हम तो क्या ऐसे बोल दो आ जाओ इधर कुत्ता या बिल्ली आ जाओ, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तो कुछ मेथड्स वो तो तुम रियल लाइफ में हम लोग बोलते हैं इधर आओ आ जाओ नहीं आओ ये सब, बट प्रोग्रामिंग में कैसे बोलोगे, डीबीएमएस में कैसे बोलोगे। देन फॉर एक्सेसिंग दोज ऑब्जेक्ट इन डीबीएमएस मेथड्स जो होता है ना, मेथड्स केम इन टू द पिक्चर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो क्लास ऑब्जेक्ट और मेथड्स पे डिपेंड करता है। तो पोस्टग्रेस सीक्वल जो है ना वो इसका एग्जाम्पल है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस का। तो देखो ये रिलेशनल डेटाबेस मैंने समझा दिया, आई हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू वन अदर। अब आप रिलेशनल है मतलब कुछ तो लिंक होना चाहिए, कुछ से कुछ डेटा को आप, रिलेवेंट डेटा को आप लिंक नहीं कर सकते हो। अ रिलेशनल डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन टेबल्स। अब देखो इन अ रिलेशनल डेटाबेस ईच रो इन अ टेबल आर रिकॉर्ड, जो मैंने बोल दिया है अगर आप उसको रो बोलो या रिकॉर्ड बोलो डीबीएमएस में वो सेम ही चीज होता है। आप बोलते हो वी हैव इंसर्टेड वन रो, तो क्या आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, रो बोलो या रिकॉर्ड वो एक ही चीज होता है। यूजुअली हैज ए वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, मतलब क्या अब आप बोलोगे एक रिकॉर्ड इंटर कर रहे हो तो कुछ तो टेबल पहले आपने बनाया होगा ना कंपनी टेबल में, तो यू हैव क्रिएटेड वन कंपनी टेबल, तो आपने कुछ तो रखा होगा ना कॉलम्स, कंपनी आईडी या कहाँ पे प्लेस चलो या कितने इंप्लॉई है, ये सब कुछ कुछ तो आपने रखा होगा ना, या कितने ब्रांचेज है कंपनी के, किस किस सिटी में ब्रांचेज है। तो वही बोल रहा है कि हैज ए वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, तो हर एक एट्रीब्यूट के लिए आपको वैल्यू कुछ इंटर करना पड़ेगा। तो फिर एंड मेकिंग इट इजी टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंग डेटा पॉइंट्स, तो वही होता है ना जो आपने एट्रीब्यूट इंटर किया, जो आपने डेटा इंटर किया, तभी तो आप दूसरे टेबल से लिंक कर सकते हो। अब सपोज करो मैं एक कंपनी टेबल, मेरा एक कंपनी टेबल, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, दूसरा एक चलो उसका सिटी टेबल है या तो रीजन टेबल है, वो कंपनी किस किस रीजन में, तो कुछ तो लिंक होगा ना यहाँ पे, ये कंपनी जो टेबल इसमें पक्का होगा कि रीजन आईडी जरूर प्रेजेंट होगा, तभी तो वो लिंक कर पाएगा रीजन टेबल से ना, नहीं तो कुछ अगर मैचिंग ही नहीं होगा तो कैसे दूसरे टेबल को। अब आपके घर में जितना सामान होता है मान के जो, सपोज आप अपने घर में, आप दूसरे के घर का सामान एक्सेस कर सकते हो क्या, जब तक कोई लिंक नहीं, पड़ोसी के घर जाके सामान तो नहीं निकालने लगोगे, कुछ तो लिंक होगा ना, कुछ तो बोलोगे ना कि मुझे ये चाहिए तब वो लाके देंगे। तो उसी तरह अगर आप नॉर्मल लाइफ से हट के डीबीएमएस में आओ, तो इफ यू आर स्टोरिंग डेटा इन टेबल्स, रेलिवेंट डेटा इन टेबल्स, इन मल्टीपल टेबल्स, देन यू कैन हैव एक्सेस टू दोज डेटा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो ये हो गया आपका रिलेशनल डेटाबेस। देखो ये एग्जाम्पल है, एक टेबल है विनरी टेबल है और दूसरा रीजन टेबल है, जो मैंने अभी जस्ट समझाया ना, इसमें विनरी टेबल में विनरी आईडी है, नेम है, एड्रेस एंड रीजन आईडी है, दूसरे टेबल में क्या है रीजन आईडी है, रीजन नेम एंड स्टेट है। देन अभी मैं बोलूं कि अब तुम मुझे बताओ मॉस ब्रदर्स जो है देन विच बिलोंग्स टू विच रीजन, तो आप कैसे बता पाओगे फर्स्ट टेबल से। इफ यू ओनली लुक इन टू द फर्स्ट टेबल देन यू कांट बी एबल टू से दैट मॉस ब्रदर्स बिलोंग्स टू विच रीजन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको रीजन टेबल, यू हैव टू कम टू द रीजन टेबल एंड लुक इन टू द रीजन टेबल होता है। तो अब देखो अब आप कैसे, अब देखो रीजन टेबल में भी अगर आप बस रीजन टेबल को देखोगे ना तो भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ नाम ही नहीं प्रेजेंट है बंदे का, अब आप कहाँ से। तो अब की क्या होता है ना, यही होता है, इसी से हम लोग बोलते हैं ये रिलेशनल डेटाबेस है, उसने कितने कितने अच्छे से तरीके से
स्टोर किया, एक टेबल में पहला उससे रिलेटेड नेम एड्रेस सब, और दूसरे टेबल में रीजन। तो अभी क्या, आपको अगर मैं पूछूं कि मॉस ब्रदर्स बिलोंग्स टू विच रीजन, तो यू हैव टू लुक इनटू बोथ द टेबल्स, है ना। तो पहले टेबल से आप जाओगे और बोलोगे अच्छा मॉस ब्रदर्स तो यहाँ प्रेजेंट है, उसका रीजन आईडी 3 है। अब क्या करोगे, 3 है मतलब क्या, हमको आके बोल दोगे 3 है, तो मैं बोलूंगी एंड यूजर क्या समझेगा 3 है। जब तक कि आप नहीं बताओगे, आपने स्टोर किया है डेटा को उस फॉर्मेट में, बट एंड यूजर को अगर मैं बोलूं कि बोलेगा कोई किस कंट्री से बिलोंग करती हूँ, वन से बिलोंग करती हूँ, तो ये क्या समझेगा सामने वाला वन, क्योंकि मेरे, ठीक है मेरे टेबल में इंडिया को वन से स्टोर किया गया है, बट सामने वाला कैसे समझेगा। तो वही होता है ना, तो फिर इसके लिए आपको सेकंड टेबल में आना पड़ेगा और जस्ट मैच करो, 3 यहाँ पे 3 देखो, रीजन आईडी 3 को देखोगे अच्छा ये यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, या फिर इसका रीजन नेम ये है। तो इससे आपको, तो क्या आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया फर्स्ट और सेकंड टेबल, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस। देखो ये ईआर डायग्राम है, जहाँ पे आपका फर्स्ट टेबल है विनरी आईडी नेम और फिर एड्रेस है, और देन सिचुएटेड इन से जुटा हुआ है फ्लो डायग्राम एंड देन रीजन। तो क्या होता है, इस टेबल और इस टेबल का रिलेशन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा, रीजन आईडी के बेसिस पे होगा। तो आप रेलिवेंट डेटा निकाल के यूजर को दे पाओगे। तो हो गया, अब वो मैंने समझा दिया व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, देन नाउ कम्स टू व्हाट इज माई सिक्वल। तो माई सिक्वल इज अ ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस। अब ओपन सोर्स बिकॉज इट एवरीवन कैन यूज इट एंड इट्स अ फ्री वन। अब देखो रिलेशनल मैंने समझा दिया क्यों है, क्योंकि तुम, फिर से मैं नहीं बता रही हूँ कि आप स्टोर करते हो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में। सेकंड पॉइंट, इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म विच मीन्स इट रन्स ऑन ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच है। तो इसके लिए क्या होता है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं ना कि जो क्रॉस ज्वाइन या क्रॉस मतलब एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप MySQL को यूज कर सकते, दैट्स वाई इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। कोई डाउट है अब तक, एनीवन हैज एनी डाउट? नो ओके, देन कम्स टू फीचर्स ऑफ माई सिक्वल। तो ये इजी टू यूज है, देन सिक्योर्ड है, तभी तो हम लोग माई सिक्वल पे जाएंगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है, मतलब कि आप कुछ मतलब बोलते हैं ना क्लाइंट सर्वर, मतलब कि आपने कुछ क्वेश्चन किया और जैसे रिप्लाई, तो मतलब क्या, क्लाइंट और सर्वर मतलब आप क्लाइंट मतलब कि यू आर आस्किंग समथिंग एंड सर्वर विल रिप्लाई दैट, तो उस टाइप के आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड होता है। फ्री टू डाउनलोड होता है, स्केलेबल होता है। अब स्केलेबल बोलो तो क्या, स्केलेबल से मतलब क्या बोल रही हूँ, स्केलेबल होता है मतलब देखो क्या होता है ना, तुम लोग हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं ना, तो ये एक्चुअली माई सिक्वल इज अ वर्टिकल स्केलेबल फॉर्मेट पे वो बिलोंग करता है। अब बोलोगे वर्टिकल स्केलेबल क्या होता है नेहा, तो वर्टिकल स्केलेबल होता है ना, इफ देखो आप एक बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग के क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर बन ग्राउंड फ्लोर बनता है, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकेंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो गया ना, तो उसके एक के ऊपर एक है, तो वो वर्टिकल स्टैक है ना। अब आप अगल बगल, अगर आप बोलते हो ना हम लोग रो हाउस खरीद, रो हाउस क्या होता है, एक के बगल में एक, के बगल में एक होता है ना, तो वो हो गया रो हाउस। बट जैसे ही हम बोलते हैं ना कि वर्टिकल है, या हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो क्या होता है एक के ऊपर एक, के ऊपर एक स्टैक होता है, फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो उसी तरह क्या होता है ना, इफ इफ यू आर इंसर्टिंग वन रिकॉर्ड, अच्छा एक बात बताओ, जब टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तो कहाँ पे रिकॉर्डिंग, अगर आपने चार रो आपका पहले से है टेबल में, पांचवा तो आप चौथा के बाद जाके ऐड होता है ना, तो मतलब आप अगर तरीके से देखो तो चार इंसर्टेड है एंड देन फाइव फिफ्थ रो विल बी इंसर्टेड आफ्टर फोर्थ रो, तो क्या वो भी तो वर्टिकल हुआ ना, वर्टिकल स्केलेबल हुआ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप बगल में जाके रो को इंसर्ट कर दे रहे हो, पहले से जितना था उसके नीचे आपने ऐड किया। तो वही बोलते हैं स्केलेबल मतलब वर्टिकल स्केल मतलब स्टैकिंग काइंड ऑफ थिंग ये फॉलो करता है, फिर स्पीड अच्छा देता है, फिर वही जो है ना मल्टीपल कॉम्पेटेबल होता है वो मैक के साथ, फिर आपका लिनक्स विंडो ये सब पे, और क्या होता है ना ये अलाउ रोल बैक करता है। रोल बैक क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कुछ आपने कर दिया, कुछ आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब आप चाहते हो वो ऑपरेशन फिर से बैक हो जाए, तो हम लोग रोल बैक, नाम ही सब बता रहा है रोल बैक। अगर आप रोल मतलब क्या, आपने किसी चीज को जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग पेपर को रोल करो, आप इफ यू आर फोल्डिंग पेपर्स ना, फिर बोलो बैक कर दो, तब क्या होगा, आप अनफोल्ड कर दोगे पेपर को। तो वही माई सिक्वल भी वही चीज है, आप कुछ चीज आपने यू परफॉर्म्ड एनी एक्शन और एनी ऑपरेशन एंड देन इफ यू वांट टू गेट बैक टू द इनिशियल स्टेज, तो क्या होता है उसको रोल बैक। तो माई सिक्वल जो होता है वो अलाउ करता है रोल बैक करने के लिए। ये आपका फीचर्स हो गया। अब देखो माई सिक्वल टेबल्स, टेबल्स तो पता है ना कि वेयर वी आर स्टोरिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो रोज जो होता है वो आपका रिकॉर्ड्स होता है, कॉलम्स मतलब क्या होता है ना कि वो एट्रीब्यूट्स, जो मैंने बोला मेरा नाम, मेरा एज, मेरा एड्रेस, ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू द एट्रीब्यूट एंड देन द रिकॉर्ड। मेरा जो नाम मतलब एक रिकॉर्ड बना, नेहा
बैंगलोरो मेरा जो भी एज है, चलो जो भी सैलरी है, ये सब क्या एक एक रिकॉर्ड मैंने इंटर, मतलब किसी ने कोई भी इंटर करेगा कंपनी में तो क्या होगा, ये आपका हो गया रोज हो गया, और कॉलम्स मतलब जो मेरा एट्रीब्यूट है, नेम एड्रेस सब जो मैंने बोला. तो इफ यू आर स्टोरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, देन टेबल कम्स इन टू द पिक्चर. मतलब कि आप वो टेबुलर स्ट्रक्चर बनाते हो. तो अब देखो माई सिक्वल में क्या होता है ना, एक टेबल क्रिएट करने का एक सिंटेक्स होता है. तो आप पहले टेबल क्रिएट करोगे तब तो डेटा स्टोर करोगे ना, पहले तो यू हैव टू बिल्ड स्केलेटल ना. अब कोई बिल्डिंग बनता है पहले तो वो नक्शा बनाता है ना, मैप बनाता है कैसे कैसे क्या होगा, कि पहले बिल्डिंग बना देता है फिर तोड़ता है फिर देता है अच्छा यहाँ ये फिट नहीं हो पाया, ऐसा तो होता नहीं है. तो वही होता है, पहले आप यू हैव टू क्रिएट टेबल्स देन यू विल स्टोर डेटा. तो वो क्रिएट करने के लिए क्या होता है ना, क्रिएट टेबल सिंटेक्स बहुत ही इजी होता है. आप अगर क्रिएट कर रहे हो तो आपको पता है, क्रिएट डेटाबेस कैसे समझेगा कि आप क्रिएट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो और यू आर अपडेटिंग रिजल्ट्स. तो क्या होता है ना, यू हैव टू यूज क्रिएट कीवर्ड सो दैट डीबीएमएस विल अंडरस्टैंड ओके दिस गाय हैज क्रिएटिंग टेबल्स. तो इसीलिए क्या होता है, हमें हमें एक्सप्लिसिटली यू हैव टू राइट क्रिएट कीवर्ड, इसलिए वहां लिखा हुआ है क्रिएट. एंड देन कैसे समझेगा कि टेबल बना रहे हो, कि डेटाबेस बना रहे हो, कि स्कीमा बना रहे हो, कि व्यू बना रहे हो. दैट्स वाई यू हैव टू राइट टेबल एक्सप्लिसिटली. अच्छा तो डेटाबेस समझेगा, अच्छा क्रिएट लिखा इस बंदे या बंदी ने, फिर टेबल लिखा है, मतलब कि टेबल टेबल तो वो बना रहा है. एंड देन यू हैव टू इंटर टेबल नेम, तो टेबल नेम कुछ तो इंटर करोगे ना, एम्प्लॉई या फिर ऑर्डर, एंड देन ब्रैकेट एंड देन कॉलम नेम और कॉलम टाइप. अब देखो कॉलम नेम मतलब वही हो गया जो मैंने बोला ना, नेम एज जो भी आप इंप्लॉई से रिलेटेड रखना चाहते हो, या ऑर्डर से ऑर्डर आईडी कुछ भी रखना चाहते हो. एंड देन यू हैव टू राइट दैट कॉलम टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सपोज अगर आपने इंप्लॉई आईडी को आपने इंटीजर रख दिया है, अब कोई कोई दूसरा बंदा क्या किया, उसको स्ट्रिंग में, अब हम इंप्लॉई आईडी फॉर्मेट चला जा रहा है 1 2 3 4, कोई अगला एंट्री हो गया एबीसी हो गया. अगर इफ यू वॉन्ट एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन दैट कॉलम टाइप ना, तो कुछ भी कोई इंटर कर देगा, एनी वन कैन एबल टू इंटर एबीसी 1 2 3. लेकिन यू हैव डिफाइंड इन पर्टिकुलर फॉर्मेट ना दैट ओके दिस कॉलम नेम शुड बी और या कॉलम आईडी शुड बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट और इन द न्यूमेरिक फॉर्मेट और इन द इंटीजर फॉर्मेट. तो क्या होगा ना, वो कर ही नहीं पाएगा, गलती से भी वो स्ट्रिंग इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने तो अगर वही आप नहीं किए होंगे तो वो तुरंत में इंटर कर देगा. क्यों आप एक कंपनी में इंटर करते, हमारे पास क्यों आई कार्ड है, तो कोई भी इंटर कर जाएगा. क्यों होता है आई कार्ड, क्यों, क्योंकि हम आई कार्ड शो करते तब हमें, या हम स्कैन करते तब हम अंदर आते हैं, इसलिए होता है ना, कोई भी ना इंटर कर जाए कुछ. तो इसी तरह होता है, आपको कॉलम टाइप जो होता है ना, वो सब दिक्कत जो बाद में आएगा कि ओके कुछ ने किसी ने कुछ इंटर कर दिया, फिर बाद में आप रेक्टिफाई करते रहो बैठ के, तो देन इसीलिए होता है ना कि कॉलम टाइप आपको स्पेसिफाई करना होता है. तो बहुत आसान है, मैं आपको MySQL में जाके क्रिएट टेबल करके दिखाती हूँ. अच्छा मैं तीनों एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन विल गो टू माई सिक्वल एंड देन विल क्रिएट टेबल, इंसर्ट एंड देन ड्रॉप टेबल. तो देखो फिर इंसर्ट होता है, आप टेबल तो यू हैव क्रिएटेड टेबल, तो कुछ तो इंसर्ट करोगे ना, डेटा आप तो डालोगे ना डेटा उसके अंदर. देन इंसर्ट कीवर्ड क्या होता है, देखो इसमें भी बहुत आसान, इंसर्ट वर्ड क्योंकि आप इंसर्ट कर रहे हो और डीबीएमएस को समझना चाहिए कि आप इंसर्ट कर रहे हो. इंटू क्यों, तो आप कहाँ इंटू कर रहे हो, हाँ इंटर इंटू वो बोलते हैं ना, तो इंसर्ट इंटू मतलब कि इंटू टेबल नेम, कौन से टेबल नेम में, तो वहां पे आप डालोगे ओके इंसर्ट इंटू टेबल नेम एंड देन फील्ड जो भी होगा आपका एंड देन वैल्यूज. फील्ड वन फील्ड टू मतलब डीबीएमएस कैसे समझेगा कि वो, नहीं तो अगर आप फील्ड नेम नहीं डालोगे, इफ यू नॉट राइट फील्ड नेम ना, तो क्या होगा, नेम में आईडी चला जाएगा, आईडी में नेम चला जाएगा, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा डेटा में आपका. तो इसलिए एक्सप्लिसिटली यू हैव टू राइट फील्ड नेम एंड देन वैल्यूज, यू हैव टू राइट वैल्यूज बिकॉज यू आर इंटरिंग डेटा, यू आर इंटरिंग वैल्यूज इनटू पर्टिकुलर पर्टिकुलर फील्ड, दैट्स व्हाई इट्स रिटन वैल्यूज, और फिर आपको कॉमा दे दे के सारा वैल्यू इंटर करना रहता है. तो ये हो गया आपका इंसर्ट रिकॉर्ड. और ड्रॉप टेबल मतलब क्या होता है, सपोज इफ यू वांट टू ड्रॉप टेबल, ड्रॉप पर्टिकुलर, सपोज यू डोंट नीड दैट टेबल एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, और अगर आप फालतू का टेबल रखे रहते हैं तो आपका स्टोरेज खाता है. तो क्या होता है ना, उससे अच्छा है कि अगर चलो अभी हमें लगा कि नहीं हमको 100 साल पुराना कुछ नहीं रखना है, कि 50 साल या 10 साल पुराना भी कुछ नहीं, अभी काम ही नहीं उस चीज का, तो ड्रॉप टेबल कर देंगे हम लोग. तो ड्रॉप टेबल से क्या होगा, आपका डेटा का मतलब नहीं चला जाएगा और आपका मेमोरी खाली हो जाएगा. तो ये तीन चीजें हो गया, क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉप टेबल. अब मैं आपको MySQL में ले जाती हूँ. कोई डाउट है अब तक? अब देखो ये वाला क्रिएट टेबल का सिंटेक्स है, यहाँ पे क्रिएट टेबल इम्प्लॉय, चलो मैं एक इम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रही हूँ, मैंने पहले से क्रिएट करा हुआ है,
थ्री, तो अभी मैं फोर, चलो मैंने इम्प्लॉय नेम कुछ भी डाल दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैंने अभी डाला। अब देखो क्या करना ना, क्रिएट टेबल इम्प्लॉय, इम्प्लॉय डॉट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं इम्प्लॉय, यहाँ लेफ्ट साइड यू कैन सी ना, इम्प्लॉय मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है इम्प्लॉय का, और उस डेटाबेस के अंदर मैं इम्प्लॉय टेबल बना रही हूँ, इम्प्लॉय फोर टेबल बना रही हूँ। ये तो इसलिए अगर इफ यू आर इन द डेटाबेस ना, इफ यू आर क्रिएटेड मल्टीपल डेटाबेस ना इन इन योर डीबीएमएस, तो क्या होता है, डेटाबेस कैसे समझेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे समझेगा कि आप कहाँ वो टेबल रखना चाहते हो। तो उसको एक्सप्लिसिटली आपको देना पड़ेगा, अच्छा मैं ना जो आपका ये इम्प्लॉय डेटाबेस बनाया है मैंने, इसके अंदर मैं सब कुछ रखूंगा, सारा टेबल रेलिवेंट टू दैट डेटाबेस। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, उसको डॉट से आपको स्पेसिफाई करना होता है कि मैं इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल बनाना चाह रहा हूँ। देन इम्प्लॉय आईडी, वो मैंने डेसिमल रखा हुआ है, नॉट नल है। नॉट नल क्यों, क्योंकि कभी भी अगर आपका प्राइमरी की आप किसी चीज को बना रहे हो ना, देन इट वॉन्ट बी नल इन एनी ऑफ द केसेस, वहां कुछ ना कुछ तो वैल्यू होना ही चाहिए, तो इसीलिए वो नॉट नल मैंने रखा। या आप यू कैन पुट एनी फील्ड टू नॉट नल, अगर वो सबसे अच्छा होता है। नॉट नल अगर आपने डाल दिया ना, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप उसमें कुछ कुछ डेटा एंटर नहीं करोगे। अगर नहीं डाला है तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ डेटा ना एंटर करो, तो नॉट नल के को स्पेसिफाई, अगर एक्सप्लिसिटली इफ यू आर स्पेसिफाइंग नॉट नल ना, देन तो क्या होता है ना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है कि आप नॉट नल लिख दिए तो कभी डुप्लीकेसी, कभी रिडंडेंसी, कभी डेटा में एरर वेरर नहीं आने का चांसेस होता है कि हम मिस कर गए, अरे मैंने तो आईडी में इंटर ही नहीं किया, बाद में याद आया। अब जो बैठ के फिर आप अपडेट करने जाओगे, उससे अच्छा है कि नॉट नल पहले ही डाल दिया करो, तो जब आप जैसे ही इंसर्ट करोगे तो आपको बता देगा डीबीएमएस, एरर थ्रो कर देगा, नहीं तुम इंटर करो वैल्यू। तो देखो ये मैंने क्रिएट टेबल कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल जो चौथा है ना, देखो ये हो गया मेरा क्रिएटेड। अब मैं करूंगी क्या, अब वी आई एम इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन दोस टेबल। तो देखो मैंने अभी इम्प्लॉय फोर क्रिएट किया था टेबल, अब मैं इंसर्ट करूँ, इंसर्ट इनटू इम्प्लॉय फोर, जो भी मेरा आईडी है, फर्स्ट नेम है, जो भी मैंने यहाँ फील्ड नेम, आई हैव रिटन द फील्ड नेम, देन वैल्यूज, और मैंने कुछ ऐसे ही इंटर कर दिया नाम, नेहा कुछ भी, वर्षा, रोहित, रंजन कुछ भी मैंने एड वो कर दिया। अभी मैं देखो इसको स्क्रिप्ट को चला रही हूँ, तो ये हो गया मेरा, देखो यहाँ पे सक्सेस हो गया, इंसर्टेड हो गया रिकॉर्ड। इफ यू वांट टू चेक वेदर रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड और नॉट, तो अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना, हमें सेलेक्ट कर लेना उस टेबल को। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया वन, नेहा, ये हमारा हो गया कि हाँ ये रिकॉर्ड इंसर्टेड है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया हमारा जो भी माई सिक्वल टेबल से रिलेटेड, देन माई सिक्वल क्वेरीज। अब मैंने इंसर्ट, आई हैव कवर्ड इंसर्ट, देन इट कम्स टू अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। अपडेट क्या होता है ना, सपोज हमें अगर चलो कि अपडेट करना है, सपोज आई एम वर्किंग, प्रीवियसली आई वाज वर्किंग विथ ग्रोफर्स, बट अभी मैं किसी और, चलो मैं डिप्लॉय हो गई किसी और क्लाइंट पे, तो अभी जो मेरा जो कंपनी नेम होगा ना, वो तो चेंज होगा ना, अभी तो मैं ग्रोफर्स में नहीं हूँ, मान के चलो टीम कंप्यूटर्स मुझे कहीं और डिप्लॉय कर रहा है, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, अपडेट क्वेरी आपका काम आएगा, अपडेट जो क्लाउज है ना वो, क्यों, क्योंकि मेरा वैल्यू अपडेट हो रहा है, मैं अब नहीं हूँ उसका उस क्लाइंट पे, अब मैं दूसरे क्लाइंट पे जा रही हूँ, तो क्या होगा वो अपडेट होता है। अगर आप ऐसे नॉर्मली समझ पाओ, अपडेट मतलब क्या, आप कुछ डेटा में चेंजेज हुआ और वो वैल्यू अब आपका कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज या चेंज हो गया, तो आपको माई सिक्वल कैसे समझेगा, माई सिक्वल के साथ आप कैसे कर सकते हो वो चेंजेस, देन अपडेट क्लाउज आपको यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज अपडेट क्लाउज। डिलीट मतलब कि सपोज कि आपको डिलीट करना है कोई रिकॉर्ड, मान के चलो कोई एक एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ दिया, एंड यू नीड, और आप बोल रहे अब उस एम्प्लॉय के डिटेल को आपको रखना नहीं है, तो क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। डिलीट मतलब क्या, आप रिकॉर्ड, यू आर रिमूविंग समथिंग फ्रॉम योर डेटा, फ्रॉम योर डीबी, फ्रॉम योर डीबीएमएस, यू आर रिमूविंग समथिंग, तो क्या होता है उसके लिए आपका डिलीट क्लाउज होता है। एंड देन सेलेक्ट, वही जो अभी मैंने दिखा ना, सेलेक्ट स्टार मतलब आप चाहते हो कि डेटा को देखना, तो क्या करना पड़ेगा, हम बोलते हैं ना कि आप एक दुकान पे जाते हो, आप बोलते हो दूध दे दो, दही दे दो, कुछ भी दे दो, तो आप कैसे कर सेलेक्ट करते हो ना, उतना सारे चीज में आप पांच चीज सेलेक्ट किया, यू हैव सेलेक्टेड 4 to 5 things और 10 things है ना मॉल जाके, तो क्या होता है, तो आप सेलेक्ट करते हो। उसी तरह डीबीएमएस में भी हमें अगर कुछ चाहिए होता है, तो वी हैव टू सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट क्लाउज। तो ये हो गया आपका इंसर्ट,
अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट, मैं अपडेट करके आपको एक दिखाती हूँ। देखो अभी मैंने इम्प्लॉय 3 क्रिएट किया था, अभी मैं मेरा सॉरी इम्प्लॉय 4 क्रिएट कर किया था, मैं फर्स्ट नेम अपडेट करना चाहती हूँ, मेरा नाम नेहा है और मैं उसको नेहू, मैं चाह मेरा फर्स्ट नेम मैं सोचती हूँ मैं सोच रही हूँ कि मैं नेहा से नेहू कर दूँ। तो अब क्या है, मैं बस इस अपडेट किया, मैंने अपडेट टेबल नेम दिया, सेट किया, सेट मतलब कि आप कोई वैल्यू सेट कर रहे हो, मतलब चेंजेस कर रहे हो कोई वैल्यू में, तो कौन से फील्ड का, तो मैं बोल रही हूँ फर्स्ट नेम का इक्वल टू मैं जो चेंज कर रही हूँ ना उसको मैंने इंटर किया, और जो भी आपका प्राइमरी की मेरा इम्प्लॉय ID 1 है, तो मैं अपने लिखूंगी कंडीशन वेयर में दूंगी, नहीं तो क्या होगा ना, फर्स्ट नेम इक्वल टू, तो DBMS कैसे समझेगा कि कहाँ पे चेंज करना है, नेहू किसको इंटर, वो सबको जाके नेहू 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 कर देगा, जितने भी फर्स्ट नेम होंगे देन इट विल ओवरराइट ऑल दोस फर्स्ट नेम एंड रिप्लेस इट बाय नेहू। तो कैसे, तो उसके लिए क्या होता है ना, हमने एक्सप्लिसिटली बोला DBMS को, नहीं जो इम्प्लॉय ID 1 है उसी के नेम फर्स्ट नेम को तुम चेंज करो जाके। तो वही होता है, देखो अब अपडेट को मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये हमारा सक्सेस हो गया। अब अगर मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं, इफ आई विल सेलेक्ट दैट एंड देन एग्जीक्यूट द क्वेरी, तो अब देखो फर्स्ट टाइम फर्स्ट रिकॉर्ड देखो नेहू हो गया, नेहा से हट के नेहू, तो अपडेट वही हुआ। अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम के वैल्यू को चेंज कर दिया, तो ये आपका अपडेट हो गया। अब क्लाउजेस आता है, तो ये क्लाउजेस आता है आपका, तो क्या होता है ना वे ऑफ क्लाउजेस में क्या होता है ना, वेयर क्लाउज हो गया, फॉर्म हो गया, ग्रुप बाय हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, हैविंग हो गया। तो वेयर क्लाउज तो मैंने आपको बता दिया, वेयर क्लाउज मतलब जब आप जहां पे आप, वेयर मतलब क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं ना टैबलू या क्लिक व्यू में, इफ यू वॉन्ट टू फिल्टर समथिंग, अगर सपोज आपके पास 10 कंट्री के रिकॉर्ड है बट आपको एंड यूजर, मैं बोलूँ कि मुझे बस इंडिया का चाहिए, मुझे नहीं चाहिए दूसरे कंपनी, मुझे मैं इंडिया का दिखा, तो वॉट यू विल डू, यू विल गो इन टू द कंट्री सेक्शन एंड देन यू विल पुट फिल्टर्स, यू विल सेलेक्ट इंडिया एज अ कंट्री। तो उसी तरह क्या होता है ना, इन माई सिक्वल जो भी आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं, अभी मैं बोली कि हम अगर उसी तरह आपको माई सिक्वल में बोलूं कि चलो मुझे इंडिया का डेटा दिखा, तो आप क्या करोगे, वहां तो जाके आप फिल्टर टैबलू या क्लिक में फिल्टर सेलेक्ट कर दोगे, बट उसी तरह माई सिक्वल में अगर कोई करने बोल दे आपको, तो यू हैव टू यूज वेयर क्लाउज। तो वेयर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम होगा, वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया। तो इसी तरह क्या होता है, जो फिल्टरिंग का काम आप टैबलू जो भी रिपोर्टिंग टूल में करते हो ना, तो वही फिल्टरिंग का काम आपको माई सिक्वल में वेयर की हेल्प से कर सकते हो। फ्रॉम मतलब क्या होता है, फ्रॉम मतलब बोलते हैं ना कि जो कोई आपको डेटा चाहिए किसी टेबल से, तो उसको क्या होता है सेलेक्ट स्टार टेबल लिख देते हो क्या, नहीं लिखते हो ना, यू हैव टू राइट फ्रॉम। तो फ्रॉम मतलब कहाँ, हिंदी में भी अगर समझो तो फ्रॉम मतलब से होता है ना, तो क्या होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल, तो वही होता है फ्रॉम मतलब क्या, तो कनेक्ट करता है कि ताकि आप डेटा को निकाल सको, वो एक फ्रॉम यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, फ्रॉम क्या होता है यहाँ पे क्लाउजेज है दैट विल कनेक्ट स्टार विथ टेबल नेम। तो क्या होता है ना, या कुछ भी जो फील्ड विथ टेबल, अभी तो मैं स्टार बोली क्योंकि मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए, इफ यू वांट फर्स्ट नेम ओनली सेकेंड नेम ओनली, तो क्या होता है द कॉलम यू हैव सेलेक्टेड, हाँ एंड इफ यू वांट दैट कॉलम फ्रॉम फ्रॉम एनी ऑफ द टेबल्स, तो यू हैव टू राइट फ्रॉम टू लिंक दैट फील्ड नेम टू दैट टेबल नेम। तो इसलिए हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं। ग्रुप बाय मतलब होता है कि सपोज आपको इफ यू वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ एग्रीगेशन इन योर डेटा इन योर क्वेरी, इफ यू वॉन्ट तो यू कांट बी एबल टू डू विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लाउज, अगर आप कुछ फिल्टरिंग चाहते हो, इफ यू वॉन्ट सर्टेन फिल्टरिंग इन योर डेटा, बट अपॉन दैट यू ऑल्सो वॉन्ट एग्रीगेशन ऑफ दैट डेटा, तो क्या होता है वो आपको इट विल नॉट वेयर क्लाउज विल नॉट हेल्प यू इन दैट, तो यू हैव टू गो टू ग्रुप बाय क्लाउज। तो क्या जैसे अगर ऐसे मैं बोलूँ ना कि अगर आपको बोला जाए, दीप्ति मैम बोले कि अच्छा ये बताओ कि तुम, हमने तो 90 जन को इनविटेशन भेजा था, कितने प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, तो क्या आप वेयर क्लाउज से पता कर पाओगे क्या कितने प्रेजेंट है, आपको काउंट यूज करना पड़ेगा। इनविटेशन तो बहुत जन को जाता है, प्रेजेंट कितने होते हैं उनको उतना ही से मतलब है कि आज माई सिक्वल को के सेशन को कितने जन ने अटेंड किया, इससे पहले सेशन को कितने जन, ऐसे उसे देखना है। तो कैसे करेंगे वो तो वेयर से नहीं फिल्टर हो सकता है, तो यू हैव टू यूज, बिकॉज यू यू हैव टू यूज काउंट फंक्शन देयर, सो इन द यू आर यूजिंग एग्रीगेशन, यू आर यूजिंग काउंट, क्योंकि काउंट क्या होता है वो एक फंक्शन है, एग्रीगेटेड फंक्शन है। देन यू हैव टू गो फॉर ग्रुप बाय क्लाउज इन माई सिक्वल। तो ग्रुप बाय क्लाउज क्या होगा कि आपके किसी एक सर्टेन डिमेंशन, डिमेंशन मतलब क्या, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड पे, अब फील्ड जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव, द फील्ड मस्ट बी
डिस्क्रिप्टिव वन. अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सैलरी पे कर सकते हो, बट ठीक है. लेकिन अगर बोलेगा कंट्री वाइज, अगर दीप्ति मैम बोली अच्छा मैंने सबको भेजा था, साउथ वेस्ट नॉर्थ सबको इनविटेशन भेजा, मुझे बताओ साउथ रीजन से कितने प्रेजेंट थे, मैंने 10 में साउथ रीजन को भेजा था, 2-3 प्रेजेंट थे या 5 प्रेजेंट थे, मुझे बताओ, तो क्या होगा? वो चाह रही है रीजन पे एग्रीगेशन, तो क्या होगा, वो क्वेरी लिखा जाएगा और क्या होगा, एक डायमेंशन मतलब रीजन डायमेंशन पे एग्रीगेट होगा और फंक्शन कौन सा यूज होगा, काउंट यूज होगा. तो ग्रुप बाय फंक्शन ऐसे काम होता है. अब बहुत टाइम पूछा जाता है व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लाउज एंड ग्रुप बाय, तो जहां आप वेयर इफ यू आर गोइंग फॉर इफ यू वॉन्ट ओनली रो लेवल डेटा तो एन वेयर क्लाउज विल बी हेल्पफुल. इफ यू वॉन्ट certain aggregation in your queries to filter out the result na, so you have to choose group by. order by मतलब होता है जब आप sorting का, जैसे ही आता है ना बोलते हैं हम लोग कि अच्छा ठीक है मुझे दिखाओ कि टॉप 10 जो भी सैलरीड हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉई है, तो क्या करोगे, आपको तो करना पड़ेगा ना. आपने एक तो क्वेरी लिख दिया तो उसमें अगर आपका रिकॉर्ड इंसर्टेड सही से नहीं है तो कभी 10,000 वाले कहीं आ जाएंगे, 50,000 वाले नीचे होंगे, लाख वाले बीच में आ जाएंगे. लेकिन हाँ, आपको आपके डेटा में एक सॉर्टिंग चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए कि नहीं मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कहीं कुछ से ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कम्स देन MySQL में आप ऑर्डर बाय करके उसे यूज कर सकते हो. तो ऑर्डर बाय होता है कि आप अगर अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में दिखाना चाहते हो देन ऑर्डर बाय होता है. हैविंग क्या होता है, हैविंग मतलब क्या होता है ना कि आपको इफ यू वॉन्ट टू फॉलो सर्टेन पैटर्न, अगर सपोज मान के चलो टीम कंप्यूटर्स में बोला गया कि जितने भी ए नाम से इम्प्लॉय है मुझे उसका डिटेल चाहिए, या जितने भी इम्प्लॉय जो है ना वो वेस्ट से बिलोंग करते हैं मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए. तो अब देखो वेस्ट से बिलोंग करते हैं तो वो रीजन वो लिख सकता है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल वेयर रीजन इक्वल टू वेस्ट भी लिख देगा. तो इसके लिए लाइक उतना हेल्पफुल नहीं है. बट लाइक कब, अगर ऐसा बोला जाए कि जो मुझे ए नाम से जो स्टार्टिंग है उसके रिकॉर्ड चाहिए, तो अब क्या लिखोगे. अब आपको पता है कि एक अंकुश या कोई अर्णव कोई कुछ भी 3-4 नाम आपको पता है प्रेजेंट है, तो आपको पता है ना, मुझे पता है 2 जन पता है इस टीम कंप्यूटर्स में, 2 जन ए नाम से प्रेजेंट है, बट मुझे 2 पता है, आपको तीसरा कोई 2 पता है, उसको तीसरा, तो कैसे इसमें वेयर में आप कुछ नहीं लिख सकते हो, कैसे लिखोगे. हम लिख देंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम दिस वेयर, जिस बंदे को हम जान रहे वेयर जो फर्स्ट नेम या नेम इक्वल टू अर्णव लिख देंगे तो वो एक रिजल्ट मुझे लाके दे देगा. देन Having क्या होता है, तब उसके लिए having helpful होता है जब आपको चाहिए कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में डेटा आपको बोला गया फाइंड आउट करने के लिए, तो having लिखना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी वेयर नेम इक्वल टू, अब मुझे मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग मुझे ए से चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर नेम इक्वल टू ए एंड देन परसेंटेज साइन, मतलब मुझे उसके बाद 5 लेटर रहे, 7 लेटर रहे, 10 लेटर रहे, या उसका नाम 2 ही लेटर से हो, मुझे मतलब नहीं है, वो मुझे ए से स्टार्टिंग होना चाहिए. तो इससे क्या होगा ना, आप एक्सप्लिसिटली लिख दिए कि स्टार्टिंग वर्ड विल बी ए एंड देन यू हैव रिटन परसेंटेज, मतलब उसके बाद कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं. तो लाइक इसके लिए हेल्पफुल होता है. अगर कोई बोला कि नहीं जिसका लास्ट अल्फाबेट ना आई है मुझे वो बंदा या बंदी चाहिए, तो कैसे सर्च करोगे, तो उसके लिए क्या होता है ना, देखो लाइक मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेयर नेम इक्वल टू परसेंटेज आपको फर्स्ट में देना पड़ेगा. परसेंटेज मतलब कुछ भी वर्ड स्टार्टिंग का हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, मुझे मतलब नहीं है, बट लास्ट का एक्सप्लिसिटली यू हैव टू राइट आई, क्योंकि मुझे एंडिंग आई से चाहिए, तो वो लाइक होता है. और ये हो गया वेयर, हो गया फ्रॉम, हो गया ग्रुप बाय, हो गया ऑर्डर बाय, हो गया लाइक, हो गया. अच्छा हैविंग, एक लाइक मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट अगले स्लाइड में वो मैंने कवर कर लिया, आई कवर्ड दैट वन. एंड हैविंग क्या होता है ना, कि हैविंग आपको चाहिए होता है कि आप जैसे कि ग्रुप बाय यूज करते हो ना, तो वहां पे आप वेयर यू वॉन्ट बी एबल टू यूज वेयर, कोई भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो, सेलेक्ट काउंट जो भी आपका मान के चलो employee ID from table where reason equal to this one, तो क्या where आप use नहीं कर सकते, वही मैं वहां पे आपको having use करना पड़ेगा. If you are going for aggregate function ना in your query, so to filter out data you have to use having clause. तो where मतलब where, जब आपको एकदम consistency मतलब row wise record चाहिए तब आपको where, from मतलब कि अगर आपका field से table को जोड़ना है then you have to use from, group by if you want to do a certain kind of aggregation in your query to group by, order by matlab if you want to perform sorting in your data it's in ascending or descending format then you have to use order by, and having matlab if you have used aggregation functions in your query and if you want to filter out that data then you have to use having. suppose select count employee id from table, having where nahi use kar sakte ho ki where employee id nahi, aisa nahi, where count
ऑफ इम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड आया कि अच्छा मुझे बताओ पूरा सीएलटी सेशन ओवर हो गया और मुझे बताओ कि ऐसे 5 बंदे चाहिए वो जो हर सेशन में प्रेजेंट हो, या ऐसे 10 बंदे चाहिए जो हर सेशन में प्रेजेंट हो, तो कैसे पता चलेगा? तो काउंट तो करना पड़ेगा ना उस बंदे को, और सेस किस पे काउंट करना पड़ेगा कि वो हर सेशन, मतलब वो चाह रही है कि सेशन वाइज प्रेजेंट है कि नहीं, तो वहां पे, या 5 से चलो उसको बोला गया चलो 5 से ज्यादा भी जो प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 तो जो एकदम भी प्रेजेंट नहीं उसके लिए कुछ एक्शन होगा, चलो 5 तक भी जो प्रेजेंट है इट विल बी गुड। तो क्या होगा, लिखना पड़ेगा वेयर काउंट ऑफ दैट फील्ड इज ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वहां आप वेयर बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका हैविंग क्लॉज। अब कंडीशंस होता है MySQL कंडीशंस, एंड और लाइक इन बिटवीन। तो क्या होता है ना, एंड मतलब कि आप अगर चाहते हो, अगर आपको बोला जाए कि मुझे बताओ सैलरीड 10,000 से 20,000 के बीच में कितने इंप्लॉय है, वी वॉन्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इन दोज इंप्लॉय सैलरी हैविंग सैलरी इन बिटवीन 10,000 to 20,000। तो क्या होता है, तब आपको एंड, यू हैव टू यूज एंड, मतलब फिल्टर आउट करने, यू हैव टू यूज एंड टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ बिग डेटा सेट। कि आपको नहीं चाहिए कोई इंप्लॉय 10,000 से नीचे वाले भी नहीं चाहिए, 20,000 से ऊपर वाले भी नहीं चाहिए, यू हैव टू इंटर समथिंग रिकॉर्ड ऑफ द इम्प्लॉय दैट हैज सैलरी इन बिटवीन 10,000 and 20,000, देन यू हैव टू राइट एंड क्लाउज। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000, देन दिस क्वेरी विल फिल्टर आउट द रिजल्ट ऑफ दोज इम्प्लॉय हुज सैलरी इज इन इज ग्रेटर देन 10,000 और इक्वल टू 10,000 एंड लेस देन और इक्वल टू 20,000। और मतलब हो गया कि आपको इधर ये और वो बोलते हैं ना कि हम लोग कि जो चलो कोई अगर मैं बोलूं कि मुझे टैबलू और पावर बी आई आता है, तो अभी क्या है ना मैं और वाले कंडीशन में हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं पावर बी आई का काम भी कर लूँ, टैबलू का भी काम कर लूँ। तो क्या होता है ना कि और मतलब मैं मुझे आप कहीं भी डिप्लॉय कर दो, टैबलू में भी पावर बी आई में भी, तो वो और वाली कंडीशन हो गया। अच्छा, इसको या तो यहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकती हूँ या दोनों जगह एक साथ मैं डिप्लॉय नहीं हो सकती हूँ, कि एक ही टाइम में ऐसा होता नहीं है। अगर आप परमानेंट इंप्लॉय हो कि एक ही क्लाइंट पर डिप्लॉय हो और दूसरे क्लाइंट के लिए टैबलू कर लो, इसके लिए पावर बीआई करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है वो डिफरेंट केसेस में, बट अभी मैं फिलहाल टीम का एग्जांपल दे रही हूँ। तो और में क्या होता है कि इधर सेलेक्ट फर्स्ट वन और सेलेक्ट सेकेंड वन, तो वो हो गया आपका और क्लाउजेस। लाइक मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो आपको पैटर्न मैचिंग, अगर इफ यू वांट टू डू सर्टेन पैटर्न मैचिंग देन लाइक यू कैन यूज लाइक क्लाउजेस। इन मतलब क्या, इन मतलब कि आपको बोला जाए कि मुझे वही कंट्री का डेटा चाहिए, मुझे चलो इंडिया का डेटा चाहिए, तो आप क्या लिख दोगे बताओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी जो भी इम्प्लॉय वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया लिख दोगे। अब आपको रिक्वायरमेंट आया नहीं मुझे इंडिया ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका सब 5 जगह का डेटा चाहिए, देन व्हाट यू विल डू, तो अब तभी तो आप फंस गए कि आप बोलोगे कि मैं एंड लिख दूंगा। एंड ठीक है, वो आप कितना बार एंड लिखते चलोगे, वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया एंड वेयर कंट्री इक्वल टू एंड देन कंट्री, 10 बार एंड लिखने जाओगे तो उससे उसके लिए क्या होता है ना, इन आता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी जो भी होता है वेयर कंट्री, इन के बाद आप ब्रैकेट देके 50 कंट्री का नाम इंटर कर दो ना, आप सर्च कर रहे हो डेटा को। तो क्या होता है ना, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज के अंदर डेटा को सर्च करना है ना, जैसे मैंने बोला कि आपको बोला गया है वैसे इंप्लॉय का रिकॉर्ड निकालो जो साउथ ईस्ट वेस्ट से, ना मुझे नॉर्थ वाले नहीं चाहिए या मुझे साउथ वाले नहीं चाहिए, 3 ही रीजन के चाहिए, तो क्या इन का यूज करोगे? आप कितनी बार लिखने जाओगे एंड एंड एंड, तो इन आप डायरेक्टली इन लिख दो और अंदर में वैल्यूज डाल दो, इन वेयर रीजन जो भी इन एंड देन वेस्ट साउथ कोमा दे देके एंड देन नॉर्थ, तो क्या होगा उस 3 रीजन का डेटा आपका फिल्टर आउट हो जाए, इसलिए इन यूज होता है। बिटवीन मतलब वही होता है कि आपको इसके इसके बीच का डेटा अगर चाहिए तो बिटवीन होता है, बिटवीन हो जाता है आपका बिट। देखो एंड मतलब क्या हुआ, अगर आपने लिख दिया ना कि ग्रेटर देन तो 10,000 एंड लेस देन 20,000, वो भी बिटवीन का ही काम करता है ना, इट्स डूइंग ऑल्सो बिटवीन काइंड ऑफ थिंग ना, क्योंकि आपने 2 रेंज सेट किया, यू हैव सेट 2 रेंज ना, ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 20,000, बट अगर बिटवीन आता है तो बिटवीन मतलब ही हो जाता है कि आपको, अगर आपको मैं बोलूं कि 10,000 से ज्यादा और 10,000 20,000 से कम, तो डायरेक्टली आप लिख दोगे ग्रेटर देन 10,000 लेस देन 20,000। अगर मैं बोलूं कि नहीं 10,000 वाले को भी इंक्लूड करना है 20,000 को भी इंक्लूड करना है, तो आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 लेस देन इक्वल टू 20,000। बिटवीन क्या करता है ना, वो दोनों जो आपका होता है ना रेंज 10,000 20,000 उसको भी इंक्लूड कर लेता है, तो उसमें आपको एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता है।
कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस नहीं होता बिटवीन के साथ, तो कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है, इसीलिए हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। अब आप बोलोगे एंड का काम तो बिटवीन से भी हो सकता है, तो क्यों बिटवीन? वही मैंने जो आपको एक डिफरेंस बताया, माइनर डिफरेंस होता है एंड और बिटवीन में। उसी तरह आप बोलोगे कि इन और एंड भी तो वो काम कर सकता है कि, या फिर और भी इन वाला काम तो कर सकता है, मैं लिख दूंगी वेयर कंट्री इक्वल टू, ऐसा नहीं होता है। इनका अपना एक काम है कि इन, मतलब अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज में डेटा को सर्च करना है देन यू हैव टू राइट इन, और मतलब कि इधर ये, और मतलब हमें बोलते हैं ना एक चीज पकड़ना। अब आपके पास 10 कंपनी से ऑफर है, आप तो एक ही जगह ज्वाइन कर सकते हो ना। आप बोलोगे हाँ मुझे इससे ऑफर है उससे ऑफर, बस दिखाने के लिए ज्वाइन तो पर्टिकुलर जगह करोगे, तो वो आपके साथ और वाला केस है, बट यू विल ज्वाइन समवेयर ना इन वन प्लेस। और फिर एंड मतलब कि आप जैसे बोलते हैं ना मेरा स्किल सेट ये सब है, तो मैं और में नहीं एंड में बोलूंगी। हाँ कहीं बोलते हैं ऐसा बोलते हो क्या, आई हैव एक्सपीरियंस इन टैबलू और पावर बी आई, ऐसे तो नहीं बोलते हैं क्या? बोलता है आई हैव एक्सपीरियंस इन टैबलू एंड पावर बी आई एंड टैलेंट, जो भी बोलना होता है, तो वो एंड होता है। सबका अपना अपना वो एक होता है, सिग्निफिकेंस होता है। अब आता है ज्वाइंस आपका, तो ज्वाइंस को तो ज्वाइन देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस होता है। देन आपका फर्स्ट वन होता है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन होता है। तो इनर ज्वाइन क्या होता है, आप अगर बोलो ना इनर ज्वाइन, मतलब नाम ही से समझ में आ रहा है। अगर आप इफ सपोज यू हैव कंट्री टेबल एंड यू हैव ऑर्डर टेबल, और आप चाहते हो ना कि वैसा ही डेटा, यू वॉन्ट टू गेट ओनली दोज डेटा डेटा कॉमन बिटवीन कंट्री एंड ऑर्डर टेबल, तो वो इनर ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन मतलब कि आपको एकदम कॉमन डेटा चाहिए दो टेबल के बीच का। अगर आपको बोला जाए कि मुझे टैबलो वाले टीम कंप्यूटर से बोला जाए कि जो टैबलो वाले बंदे हैं मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो ठीक है आप पहला टेबल में गए इम्प्लॉय टेबल में, दूसरा टेबल आप डिपार्टमेंट टेबल में गए या जो भी टेबल में जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, तो क्या होगा अब उसको आपको, अब आप जैसे कर दोगे ना ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट वाले टेबल में नहीं पता है कि नेहा कहाँ काम करती है, तो आपको सेकंड टेबल का हेल्प लेना, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द सेकंड टेबल। तो अब आपको नहीं, अब आप अगर आप यू हैव टू परफॉर्म ज्वाइन ना, तो अगर आपको ज्वाइन परफॉर्म करना है तो अब आपको पहले से ही एक्सप्लिसिटली यू बोला गया है कि आपको बस टैबलो वाले के रिजल्ट को फिल्टर करना है, तो आप क्यों पूरा ज्वाइन करने जाओगे? यू हैव टू राइट ओनली, यू हैव टू ओनली गेट रिकॉर्ड दैट of that employee that are only working with Tableau department। तो क्या करोगे आप उसके लिए? आपको इनर ज्वाइन, यू हैव टू परफॉर्म इनर ज्वाइन बिटवीन एम्प्लॉय टेबल एंड देन डिपार्टमेंट टेबल। तो क्या होगा उससे, बस आपका जो जो रेलिवेंट डेटा है दो टेबल के बीच का कॉमन डेटा वो निकल के आ जाएगा। लेफ्ट ज्वाइन मतलब, अब नाम ही से समझ लो लेफ्ट मतलब क्या, वो लेफ्ट साइड का बात कर रहा है। ज्वाइन मतलब, अब ज्वाइन लिखा हुआ है मतलब ज्वाइनिंग तो होगा दो टेबल में, लेफ्ट ज्वाइन लिखा हुआ है मतलब ज्वाइनिंग तो होगा बट लेफ्ट में जो एक्स्ट्रा होगा वो हमको लेके आ जाना है। मतलब द डेटा दैट आर कॉमन बिटवीन बोथ द टेबल्स एंड द एक्स्ट्रा डेटा दैट आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट टेबल बट नॉट प्रेजेंट इन द राइट टेबल, तो वो लेफ्ट। अब देखो नाम ही लेफ्ट और ज्वाइन, तो लेफ्ट मतलब हो गया लेफ्ट टेबल का एक्स्ट्रा डेटा, ज्वाइन मतलब कॉमन डेटा तो आएगा ही, राइट ज्वाइन मतलब फिर तो वही, ज्वाइन मतलब क्या, ज्वाइन करो मतलब कुछ तो कॉमन डेटा होगा तभी आप ज्वाइन करो, और एल्स व्हाई यू विल डू ज्वाइन। तो ज्वाइन मतलब कॉमन डेटा, राइट मतलब आपका जो राइट साइड में एक्स्ट्रा टेबल डेटा होगा दैट विल कम इन टू योर आउटपुट टेबल, एंड देन फुल ज्वाइन मतलब इफ यू वॉन्ट ऑल द डेटा इन योर पर्टिकुलर, सपोज एक रिक्वायरमेंट आया, नहीं मुझे बस डेटा डंप करके दो मुझे नहीं चाहिए इनर ज्वाइन। अगर आपको एक टेस्टिंग करनी है, आपका डेटा कुछ टैबलू में या क्लिक में कुछ और आ रहा है और आपको माई सिक्वल के साथ वैलिडेट करना है, इफ यू वॉन्ट टू वैलिडेट इट विद द माई सिक्वल, तो क्या करोगे आप? आपको बस बोला गया डंप करके डेटा को, सारे टेबल के डेटा को डंप करके हमको दे दो, तो आप इधर क्या करोगे? डेटा को एक्सपोर्ट कर लोगे, वो भी एक ऑप्शन माई सिक्वल में होता है, आप एक्सपोर्ट कर लो डेटा को एक्सेल में, और नहीं तो क्या करोगे, ज्वाइनिंग मार दो, ज्वाइनिंग कर लो और सारे डेटा को एक साथ ले आओ। तो फुल ज्वाइन मतलब सम ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेकंड टेबल। अभी मैं दो टेबल का एग्जांपल ले रही हूँ इसलिए मैं बस दो टेबल का बोल रही हूँ। अगर आप इफ यू हैव मल्टीपल टेबल्स, मान लो 10 टेबल है, तो 10 टेबल का जितना मान लो, फर्स्ट टेबल में 10 रिकॉर्ड है, सेकंड टेबल 10 रिकॉर्ड है, इट विल द रिजल्ट ऑफ फुल ज्वाइन विल गिव यू 10 × 10 रिकॉर्ड्स, मतलब आपको 100 रिकॉर्ड्स टोटल आ जाएंगे। मतलब क्यों? क्योंकि फर्स्ट में 10 और सेकंड में 10, तो पहला रिकॉर्ड of first table will hit into the second table first record, then फिर क्या होगा, first record of the first table will hit into the second record of the second table, ऐसे पहला record सारे 10 tables 10 column के साथ आएगा, मतलब 10 rows के साथ जाएगा, ऐसे कर करके आपका 100 जो होगा ना first table का record वो hit करेगा जाके
हर एक इंडिविजुअल 10 रिकॉर्ड के साथ सेकेंड टेबल में, तो क्या आउटपुट आएगा? 10 × 10 आएगा। जैसे ही मैंने बोला पहला रिकॉर्ड 10 रो के साथ जाके पहले करेगा, फिर सेकेंड रो रिकॉर्ड 10 रो के साथ जाके करेगा, तो इट विल गिव यू फाइनल आउटपुट विल बी 10 × 10। तो फुल ज्वाइन वो हो गया। इनर ज्वाइन मतलब कॉमन, लेफ्ट ज्वाइन मतलब कॉमन बट लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा, राइट ज्वाइन मतलब कॉमन बट राइट साइड एक्स्ट्रा, एंड फुल ज्वाइन मतलब आपका टोटल रिकॉर्ड आ जाएगा। अब मैं जल्दी से, 2 मिनट बचा, 1 मिनट बचा हुआ है, मैं एक देखो ये वाला सिंटेक्स जो है ना, देखो सेलेक्ट क्या करना होता है, हमें कॉलम नेम करना होता है। अगर आपको इनर ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। सपोज हम चाहते हैं मुझे, इफ यू आई हैव 10 रिकॉर्ड्स इन माय फर्स्ट टेबल, बट आई आई ओनली वांट कम एम्प्लॉय नेम एंड आईडी, तो व्हाट यू विल राइट? एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कोमा एम्प्लॉय आईडी कोमा, और हम डिपार्टमेंट चाहते हैं, डिपार्टमेंट जो सेकंड टेबल से है, तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, क्योंकि हम एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस कैसे समझेगा कि एम्प्लॉय नेम आप कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो? तो आपको, और अगर मान के चलो एम्प्लॉय नेम दोनों जगह प्रेजेंट होगा तो वो किस रिकॉर्ड को लाके देगा? डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा और एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना उसे। तो हमें एक्सप्लिसिटली यू हैव टू राइट दैट टेबल नेम, सेलेक्ट employee dot employee name comma employee dot employee id comma department dot department name। आपको आपने लिख दिया, अच्छा डिपार्टमेंट नेम जो टैबलू है वो या क्लिक व्यू है वो डिपार्टमेंट में स्टोर है, डिपार्टमेंट टेबल में, देन यू हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम जो भी आपका टेबल वन इनर ज्वाइन टेबल टू, मतलब फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन। ऑन मतलब क्या, मतलब किस पे ज्वाइन कर रहे हो दोनों टेबल को, कुछ तो होगा ना, किसी पर तो कर रहे होगा ना, कोई कॉलम पर, तो वही लिखा ऑन टेबल वन, मतलब एम्प्लॉय डॉट आप दे दो एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। बहुत कॉमन सिंटेक्स होता है ज्वाइन का, और आपको जो भी ज्वाइन परफॉर्म करना है ना, बस आपको नाम ज्वाइन का चेंज करना होगा, कुछ भी सेम सिंटेक्स होता है, ओनली यू हैव टू चेंज दैट। इनर ज्वाइन की जगह आप लेफ्ट ज्वाइन लिख दो, राइट ज्वाइन लिख दो, फुल ज्वाइन लिख दो, सिंटेक्स कुछ नहीं होता, सेलेक्ट करना होता है आपको, आपको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कॉलम, तो सेलेक्ट कॉलम नेम डाल दो आप, तो कहां से सेलेक्ट कर रहे हो आप? तो फ्रॉम टेबल, तो आप दो टेबल से सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो आप दोनों टेबल फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू तो दे नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो दोनों टेबल में लिंक पहले करना पड़ेगा आपको। तो फ्रॉम टेबल वन, देन यू हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट ज्वाइन टाइप, देन टेबल टू, अब किस पे ज्वाइन कर रहे हो आप? बस लिख दोगे तो क्या होगा, उसको समझेगा ही नहीं कौन से कॉलम पे आपका ज्वाइनिंग है। तो देन यू हैव टू राइट ऑन, एंड देन आपको कॉलम नेम जिस पे भी आप वो करना चाहते हो। तो ये हो गया आपका ज्वाइन, और ज्वाइन का सिंटेक्स सेम होता है, ओनली यू हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट द ज्वाइन टाइप, इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। हेलो, सो इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड, एनी क्वेश्चन? या नेहा, वंडरफुल सेशन। गाइस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, एनी स्ट्रगल यू हैव ऑन माय एस्वेल? ओके, थैंक यू नेहा, वंडरफुल सेशन। थैंक यू मैम। हां, सो गाइस, वन अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू डू हियर इज दैट यू all the click members can now complete the course of imprinting 17 on LMS. So it has already been published. You will receive an email today. So you have, your time has already started. So there would be 2 assignment in that course and 2 quiz. So the people who would be clearing the assignment and quiz would be eligible for the customers. So it's like you can go to LMS and check what kind of you know, assignments and quiz are there, and after completion of the course you will receive the certificate, and you can show it to your BHR to get the customer. Any question, anything would you like to say, query you would like to you know, have your opinion.